हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। ये कौन सी क्रीम है? रंग गोरा करने वाली और आपकी जिल्द एक हफ्ते में चमकदार कील मांसों से निजात। मेरी स्किन को जरूरत है? हाँ, थोड़ी सी खराब हो रही है। चले ट्राई करते, क्या नंबर दिया इन्होंने, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, हो सकता है अच्छी हो जाए। हेलो, क्लोपैत्रा अमेजिंग क्रीम से बात कर रहे हैं? कौन? नीलम शिनवारी? अरे भाई, आप तो बहुत फेमस हैं। वाकई में बहुत मशहूर हैं जी। मैं हसीना बात कर रही हूँ जी। जी, मुझे आपकी यही वाली क्रीम चाहिए। भिजवा दें बिल्कुल, मैं एड्रेस दे देती हूँ। लिखिए, लेन नंबर 15, DHA, हाउस नंबर, जी हाउस नंबर B30D। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब आएगा ना मज़ा, पूरी दुनिया को जलाऊंगी इसे, तो जल जल के मर जाएंगी मेरी। किससे बात कर रही थी? आने वाले हुसन से। हुसन? ये कब आ रहा है? एक हफ्ते बाद। लेकिन ये हुसैन है कौन हसीना जी? हसीना के साथ आपकी शादी हुई है और आप हुसैन को नहीं जानते? आपके हुसैन को तो मैं जानता हूँ हसीना जी, इसके अलावा कौन सा हुसैन आ रहा है? मुइन, मुझ पर हुसैन आ रहा है। आप पर? अरे आप तो पहले ही बहुत हसीन है, आपको मजीद हसीन होने की क्या जरूरत है? हैं? अरे क्या करेंगे हसीन होकर, मैं तो पहले ही आप पर फिदा हूँ हसीना जी। तो मुझे सिर्फ आप नहीं देखना? तो और कौन है जिसने देखना है हसीना जी? हर वक्त शक मत किया करें। तो फिर बताइए और किसने देखना है? मैं हसद से जल रहा हूँ। दोस्तों ने भी तो देखना है, तकरीबात में लोग मुझे देखते रह जाएंगे। अब भी ऐसे ही है? अभी तो कुछ भी नहीं, जब मैं क्रीम इस्तेमाल करूंगी ना तब। कौन सी क्रीम? क्लोपैत्रा अमेजिंग क्रीम। क्लोपैत्रा अमेजिंग क्रीम? ये कौन सी क्रीम है हसीना जी? ये एक मौजजाती क्रीम है जो हसीनाओं को परी बना देती है। देखिए हसीना जी, कोई उल्टा सीधा तजुर्बा मत कीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। शादी का तजुर्बा भी तो किया ना मैंने। क्या ये खुशगवार तजुर्बा नहीं है हसीना जी? 25,000 की क्रीम है। 25,000 की क्रीम? इसमें क्या चेहरा साथ बेचते हैं? ये पे करने है, समझे? जी जी समझ गया हसीना जी। मुझे तो लग रहा है ये क्रीम शोहरों को पीस कर बनाई गई है। क्या मुइन, आप मेरी हर ख्वाहिश पे मुंह बना लेते हैं, मत दीजिए पैसे। अरे नहीं नहीं हसीना जी, ऐसी बात नहीं है। हसीना जी जितनी भी हसीन हो जाए, रहेंगी तो मुइन की हसीना जी ना। अब आपने हर रोज क्रीम लगाने से पहले मेरी एक तस्वीर बनानी है। क्यों? आखिर में तमाम तस्वीर को एक साथ रख के ना फर्क देखूंगी। अच्छा। हाँ, जैसे वो इश्तेहार नहीं है जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कहती है और आखिर में वो लड़की कहती है अच्छा लगा ना, तुम भी ट्राई करो। जी जी, बड़ी प्यारी लड़की है हसीना जी। मुइन? नहीं नहीं हसीना जी, आपसे कहा। बस आपने ध्यान रखना। इश्तेहार वाली लड़की का? मुइन, मैं कोरियर वाले लड़की की बात कर रही हूँ। वो भी आप पर लाइन मारता है? मुइन, आपके लिए सारा शहर मशकूक है, कोरियर के जरिए आनी है ना क्रीम। अच्छा अच्छा, मैं ध्यान रखूंगा, बेफिक्र रहिए। अब मैं देखता हूँ। मैं देखूंगी, आप बैठिए। वो जो तो मैं क्या लाया हूँ? तुम जब भी आते हो ना कोई नहुसत ही लेकर आते हो, तो और क्या बोलूं? अच्छा, तो आपने नहुसत का ऑर्डर दिया था? कौन सा ऑर्डर? जरा याद करें। क्या याद करें? कुछ मंगवाया था आपने। हाँ, लेकिन वो तो कुरियर वाला लाएगा ना। तो मैं इस घर का डाकिया, ये ले। ये क्या है? है? क्रीम? कौन क्रीम? चलो भागो यहाँ से। अच्छा ये ले पेन, ये रसीद पे साइन कर दे। मुझे चुड़ैल कहा? ये क्या गेटअप किया हुआ आपने? पहले मुझे ये बताइए कि आपने मुझे चुड़ैल क्यों कहा? वो असल में मैं ड्राउनी कहानी पढ़ रहा था ना, उसमें एक चुड़ैल थी। उसमें कोई हसीना नहीं थी। हसीना जी असल में ना आप नॉर्मल हालत में नहीं है ना। क्यों? तो मैं क्या एबनॉर्मल हूँ, यानी पागल हूँ मैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब आपने चेहरे पे कुछ लगा रखा है ना। तो ये तो क्रीम लगी हुई है। क्रीम का? कौन सी क्रीम? वही जो मैंने बताई थी। अच्छा, तो आपने मंगवा भी ली? और क्या, लगा भी ली। अरे हसीना जी, इसकी क्या जरूरत थी, आपने तो आगाज भी डरा दिया। जब इसका असर होगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि परेशान हो जाएंगे और दूसरों को पकड़ पकड़ के बताएंगे कि ये है मेरी हसीन बीवी। तो पहले कोई कसर छोड़ता हूँ क्या मैं? मेरी तरफ से तो रह गई थी ना। हसीना जी, आप इसे धोएंगी या ऐसे ही रहने देंगी? क्यों, आपको भी मसला? बस हसीना जी, मैं आपको किसी भी पर्दे में नहीं देखना चाहता। बस थोड़ी देर की तो बात है मुइन। लेकिन थोड़ी देर तक तो मैं डरता ही रहूंगा ना हसीना जी। तो आंखें बंद करके घूमिएगा घर में। नहीं नहीं हसीना जी, इस तरह थोड़ी हो सकता है। तो फिर डरने की क्या जरूरत है? तो क्या मैं खुद को थोड़ी देर तक डराता रहूंगा? देखिए मुइन, आप मुझे तंग मत करें वरना क्रीम का असर खत्म हो जाएगा। देखिएगा थोड़ी देर के बाद मेरा चेहरा और भी हसीन हो जाएगा। हसीना जी, मर्दों के लिए कोई क्रीम नहीं है? है ना। कौन सी? आइसक्रीम। यानी मर्द मुंह पर आइसक्रीम का लेप करे? सिर्फ खाए। क्या हमें हुस्न देखने का कोई हक नहीं है? सिर्फ वलीमे वाले दिन, क्योंकि उसी दिन स्पेशल करवाते हैं। बाकी दिनों
तुम्हें मना है क्या? मालूम नहीं, मैं भी नेट पर देखूंगा। देख लीजिएगा, अभी मेरी नेट प्रैक्टिस देखिए। चलें देखते हैं आपने कौन सा छक्का मारा है। इंशाल्लाह। मेरे कहने का मतलब ये है हसीना जी कि आप अपने आप को मेरी नजर से देखिए। फिर वही बात, क्यों आपकी नजर से देखूं और कैसे देखूं? हसीना मुईन की कहानी, हसीना हसीना मुईन की कहानी। है नहीं थी मेरी नजर से देखिए ना हसीना जी। जब मेरी अपनी नजर ठीक है तो मैं आपकी नजर से क्यों देखूं? मेरे कहने का मतलब ये है हसीना जी कि आप अपने आप को मेरी नजर से देखिए। फिर वही बात, क्यों आपकी नजर से देखूं और कैसे देखूं? अपने आप को हसीना जी। अपने आप को तो मैं अपनी नजर से नहीं देख सकती, आपकी नजर से कहां देखूं? हसीना जी आप मेरे लिए आज भी वही हसीना है। देखे मोइन, झूठ बोलने से हकीकत नहीं बदलती। हमारी मोहब्बत हकीकत है हसीना जी, और ये जाहिरी हुस्न से मावरा है। ओह मोइन, एक तो मैं परेशान हूँ और आप इतनी मुश्किल उर्दू में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा हूँ हसीना जी। क्यों, आपकी मोहब्बत से चेहरे के दाने चले जाएंगे? तो जहाँ से जाएंगे वहाँ बात कर लेते हैं। मुझे क्या पता कहाँ से जाएंगे, अगर पता हो तो मैं वहाँ ना चली जाऊँ। अरे जाना कहीं नहीं हसीना जी, फोन करना है। किसको? उस कंपनी को जिसे क्रीम भेजी है। हाँ ये आइडिया ठीक है, उन्हें फोन करती हूँ। उन्हें कहते हैं या तो नई क्रीम भेजे या फिर नया मुंह। हसीना जी इसी मुंह को ठीक करें, मुझे और मुंह नहीं चाहिए। नहीं मुईन, अब इस मुंह को कौन मुंह? अरे हसीना जी ऐसा मत कहें, मैं हूँ ना। अब बातों में मुंह, मेरा मतलब है वक्त जाया ना करें, जल्दी से उन्हें फोन करें। फोन नंबर दीजिए। मेरा नंबर है ना आपके पास? अरे मैं आपका नहीं, उस कंपनी का नंबर पूछ रहा हूँ। अच्छा मेरे मोबाइल में है। कंपनी नहीं उनका नंबर, ध्यान से मिलाइए। क्या नंबर? नहीं मुझसे नजर, कहीं आप पर असर ना हो जाए। फोन का नहीं, मेरी बीमारी का। आप बीमार है हसीना जी? ये जो दानों की बीमारी है उसका। अरे ये बीमारी तो नहीं, ये तो क्रीम का रद्द अमल है ना हसीना जी। कौन सा अमल है? रद्द अमल रिएक्शन। पता नहीं आज आप क्यों मुश्किल उर्दू बोल रहे हैं। ठहरिए मैं खुद बात करती हूँ। जी जी आप खुद बात कर लीजिए। हेलो नीलम शिमारी बात कर रही है, मैं कल वाली हसीना बोल रही हूँ। आपने ये क्या भेजा है क्रीम के नाम पर? मेरे चेहरे पे धब्बे हो गए हैं, देखिए मैं आप पर मुकदमा कर दूंगी। आपको मालूम नहीं मेरे शौहर गुस्से के कितने तेज है, फौरन आइए जी। क्या 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 कह रही है? घबरा गई। जाहिर है मेरे गुस्से से, मुकदमे का नाम सुन के। अच्छा बहरहाल मेरे गुस्से का भी बहुत बड़ा असर हुआ होगा। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्रीम का जरूर हो चुका है। अरे हसीना जी रोइए मत, मैं हूँ ना। क्यों बाकी की क्रीम आप लगाएंगे क्या? अरे ये कोई तरीका क्रीम बेचने का? आप फिक्र ना करें, इस तरह हो जाता है। कैसे फिक्र ना करूं, मुझे मेरी बीवी का चेहरा वापस आई है बस। कोई ले गया है क्या? ले नहीं गया, आपने बिगाड़ दिया है। देखिए मैं तो तशद्दुद के खिलाफ हूँ। मार मार कर नहीं, आपकी क्रीम ने बिगाड़ा है। तो फिर मेरा क्या कसूर है? असल वजह तो क्रीम है ना। भेजी तो आपने ही है ना। देखिए किसी किसी क्रीम का रिएक्शन हो जाता है, लेकिन मैं एक नई क्रीम बना के दूंगी, उससे वो बिल्कुल बदल जाएगी। क्या क्रीम? नहीं नहीं आपकी बीवी। नहीं नहीं मुझे तो यही बीवी चाहिए बस। ओफो मेरा मतलब है आपकी बीवी का चेहरा बदल जाएगा। आप मुझे कर रही है। मैंने क्या बम बांध दिया आपको? और नहीं तो क्या, बैठे बैठे हसीना जी को दानेदार बना दिया। एक बात बता दूं, हसीन बीवियां तो बहुत होंगी लेकिन दानेदार नहीं होगी, इसलिए सोच ले चेहरा ठीक करूं या नहीं। ओ महतरमा ये उल्टी सीधी ऑफर मत दीजिए, मेरी हसीना जी को पहले जैसा बना दीजिए बस। कहाँ है आपकी बीवी? अंदर है। कैसे बेवफा शौहर हो, बीवी का चेहरा क्या खराब हो गया, उसे अंदर ही रख दिया। नहीं नहीं उन्होंने खुद अपने आप को अंदर रखा हुआ है। आप कैसे शौहर है, अपनी बीवी का थोड़ा ख्याल कीजिए। ख्याल आप करें ना, ये तो आपका किया धरा है भाई। इस क्रीम का तोड़ करना पड़ेगा और इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। क्यों क्यों, इन्हीं पैसों में करें? कैसे करें भाई, क्रीम मुफ्त में थोड़ी बनती है। तो हसीन बीवी क्या मुफ्त में मिलती है? इसीलिए कह रही हूँ बीवी का हुसन चाहिए तो पैसे लगेंगे। अच्छा ये बताइए कितने? 50,000। 50,000? अब ये ना कहिएगा इतने में नई बीवी बन जाती है। अरे इतने में तो रुखसती का सूट नहीं मिलता। अब बड़ी खबर है आपको, कितनी शादियाँ की हैं आपने? आप मेरी शादियों की गिनती छोड़िए और इलाज की बात कीजिए। लाइए पैसे, मिल जाएंगे मिल जाएंगे, इलाज शुरू कीजिए। आपके पास बीवी की कोई तस्वीर है क्या? आप उनका शिनाख्ती कार्ड बनाएंगी? आप सवाल ना करें, बताए तस्वीर है। अरे जब बीवी है तो मैंने तस्वीर का क्या करना है, ये बताइए आप क्या करेंगी? उसका चेहरा मैच करूंगी, देखिएगा बिल्कुल पुराना चेहरा बन जाएगा। पुराना क्यों, मुझे तो वही चेहरा चाहिए बस। उसी की बात कर रही हूँ, चले उससे मुझे मिलवाइए। चेहरे से नहीं बीवी से। आपकी बीवी भी है? मैं आपकी बीवी से खुद ही बात करूंगी, अब जरा मिलवाइए तो। जरा नहीं पूरा मिलवाऊंगा, चलिए आइए। आप खुद ही जाना है? ओके। नहीं मैं वो क्रीम नहीं लगाऊंगी, तो पुरानी लगा लो।
अरे पुरानी से तो ये हाल हुआ है, तो फिर नहीं लगा लो। अरे ये कहाँ फंस गई हूँ मैं मोइन, अब और हसीन होने के चक्कर में। सीना जी देखिए, आपके मियाँ से मेरी बात हो गई। तुम मेरा इलाज करने आई हो या मेरे शोहर से बातें करने के लिए आई हो? ओफो, इलाज की बात ही तो तुम्हारे मियाँ से की है। क्या मेरे मियाँ का भी इलाज करोगी? तुम्हारे इलाज की बात की है तुम्हारे मियाँ से। इलाज मेरा है तो मुझसे बात करो, मेरे मियाँ से क्यों बात कर रही हो? आप इन्हें समझाते क्यों नहीं है? नहीं नहीं, इस घर में ये काम सिर्फ यही करती है। यानी अपने आप को ये खुद समझाती है? नहीं नहीं, मुझे समझाती है। तो इन्हें कौन समझाता है? इनकी हिमाकत है। तो फिर ये चेहरा तो इनकी हिमाकत से बिगड़ा है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। जी जी जी, हम अपने कसूर के 50,000 रूपए मजीद दे रहे हैं। ओह हाँ हाँ हाँ, सॉरी। चेहरा बिगाड़ने के 25,000 और ठीक करने के 50,000। देखिए, चीजें संवारने में ज्यादा मेहनत लगती है। जी हाँ, बिगाड़ने में तो सिर्फ क्रीम लगती है ना। देखिए, हमारी क्रीम में कोई खराबी नहीं है। ये तो आपका चेहरा है जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। हजारों लोग यही क्रीम इस्तेमाल करते हैं और हजारों लोग ही पर 25,000 देते हैं। हरगिज़ नहीं, बहुत कम लोग शिकायत करते हैं। ज्यादातर तो तकदीर का लिखा समझ के कबूल कर लेते होंगे, है ना? लेकिन मैं कबूल नहीं करूंगी मोइन। जाहिर है, इन्हें एक बार कबूल कर लिया, अब क्या बार बार कबूल करेंगे? नहीं, मेरा मतलब है ये जुल्म। इन्हें कबूल करना जुल्म था? मैं इस जुल्म की बात कर रही हूँ जो तुमने मुझ पर किया है, और मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ, यही रहेंगी तो और क्या? इस चेहरे के साथ मैं बाहर जाऊँ? हसीना जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कसम से। सहेलियाँ मुझे बुला रही है लेकिन मैं जा नहीं पा रही। तो अपनी सहेलियों को यही बुला ले। क्या बात कर रही, क्या मुँह लेकर जाऊंगी मैं उनके सामने? आपने मुझे कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। दिल छोटा नहीं करते? हाँ, जैसे आप बिल छोटा नहीं करती है ना। इलाज कराएंगे तो बिल तो आएगा ना। अब आप इनका जल्दी से इलाज करें, मैं अपनी वही वाली हसीना को दोबारा देखना चाहता हूँ। वही वाली मतलब? क्या कोई और भी हसीना है मोइन? अरे नहीं नहीं हसीना जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप मुझे ही तो देख रहे हैं। मैं आपके उसी चेहरे को दोबारा देखना चाहता हूँ। उसी चेहरे को मतलब? क्या आपने कोई और चेहरा भी देखा था? अरे हसीना जी, मैं आपके चेहरे की बात कर रहा हूँ जो दानों के बगैर था, खूबसूरत, हसीन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप वो बाहर है कहाँ मोइन? क्यों नहीं, ये बना रही ना एक और क्रीम। मोइन पता नहीं अब क्या हाल होगा। ओफो, आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मोइन। हसीना जी, क्रीम रखी, मेरा मतलब है हौसला रखी, सब ठीक हो जाएगा। वो 50,000 मुझे देते थे तो? आप इलाज तो शुरू करें ना। आप रोइए मत, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं हसीना जी से कितना प्यार करता हूँ। मुझे अंदाजा हो गया, हसीना जी से मेरा रूह का रिश्ता है, रूह। तो फिर चेहरा ठीक करने की क्या जरूरत है? आप तो रूह से प्यार करते हैं ना। क्यों, चेहरा भी जरूरी है? मर्द रूह से मोहब्बत का सिर्फ दावा करते हैं, असल में तो चेहरा ही देखते हैं। और आप लोग क्या देखते हैं, सिर्फ पैसा? ऐसा ना कहिए, हम इंसान भी देखते हैं। तो फिर आप में इंसानियत क्यों नहीं? अच्छी खासी हसीना बर्बाद कर दी आपने। आप हसीना के अलावा भी कुछ सोचते हैं? हसीना के अलावा और है ही क्या? हसीना? हाँ, एक से बढ़के एक हसीना है यहाँ। लेकिन मेरी हसीना जी से बढ़कर कोई भी नहीं। हाँ, एक से बढ़के एक हसीना है यहाँ। आप अपने इर्द गिर्द देखे तो सही। कहाँ इर्द गिर्द? यही कहीं। यही से क्या मुराद है? यहाँ ना मुराद। क्या कुछ कहा आपने? नहीं, मेरा मतलब यही करीब में इर्द गिर्द। अरे करीब में कहाँ? अरे यही। अरे यहाँ तो मैं और आप हैं बस। नहीं नहीं, मैं अपनी बात थोड़ी कर रही हूँ। तो मेरा मतलब है शहर में इर्द गिर्द। पहले कह रही थी यहाँ इर्द गिर्द, अब कह रही है शहर में। आप कहना क्या चाह रही है? बुद्धू? वो बुद्धू ही होते हैं जो एक हसीन औरत की बात को ना समझ सके। अरे जितना मैं हसीना जी की बात समझता हूँ ना, कोई नहीं समझता। अच्छा, कोई और भी है जो हसीना की बात को समझते? और कौन? आप खुद ही तो कह रहे हैं इतना कोई नहीं समझता। अरे महावरतन कहा है मैंने। अच्छा, आप इधर उधर की बातों में वक्त जाया ना करें और जल्दी से क्रीम तैयार करें। हाँ हाँ, करती हूँ। वैसे एक बात बता दूँ, पता नहीं आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन ये दाने आपकी बीवी के चेहरे पे बहुत सज रहे हैं। तो फिर वो क्रीम आप भी लगा लें। मैं क्यों लगाऊं? तो आपने सिर्फ दूसरों का बेड़ा गर्क करना है। लड़े नहीं, वो 50,000 आपने अभी तक नहीं दिए हैं। और आपने तो जैसे दवा बना दिए हैं। वैसे आप हमारे ऑफिस आइए। वहाँ क्या है? बहुत कुछ, आप सब कुछ भूल जाएंगे। यानी हसीना जी का हुस्न गया और मेरी याददाश्त चली जाएगी है? फिर आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। लेकिन मुझे तो आप ठीक नहीं लग रहे। क्या परेशान नहीं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं हूँ ना। सब ठीक नहीं होगा, आप हसीना जी को ठीक करें, उनका इलाज करें। डोंट टच मी प्लीज, प्लीज डोंट टच मी। क्या बच्चों की तरह फरमा बर्दाश्त और है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। वही वाली हसीना जी बन जाएंगी। न जाने कब आएगा वो दिन। वही मायूस मत हो हसीना जी, वो दिन जल्द आ जाएगा। पता नहीं, अभी तो दानों की सियारात चल रही है। कंपनी की क्रीम से मायूस नहीं होना चाहिए हसीना जी। अरे उस क्रीम ने तो हुसन नीम कर दिया। मैंने भी बहुत डांटा हसीना जी। क्रीम को? नहीं नहीं, वो नीलम को। लेकिन वो तो इतना अच्छा काम करती है। वो अच्छा करती है और क्या, अभी तो उसकी डांस की इतनी अच्छी वीडियो चल रही है। वो क्रीम बनाने के अलावा डांस भी करती है।
नीलम बशीर क्रीम भी बनाती है। अरे हसीना जी, मैं नीलम की बात कर रहा हूँ, आप नीलम बशीर की बात कर रही हैं। ओफो, बस इस हादसे से ना मेरी मत मारी गई है। हसीना जी, जैसे ही आप ठीक होती है ना। क्यों, क्या मैं ठीक नहीं हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं तो फिर क्या मतलब है आपका? मुईन, आप इतनी जल्दी बदल जाएंगे ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। हसीना जी, आप क्यों मेरी बात को गलत समझ रही हैं? मैं गलत समझ रही हूँ? आपने अभी कहा कि आप ठीक हो जाएंगी तो। अरे हसीना जी, आप क्यों बात को उलट समझ रही हैं? मैं तो चेहरे की बात कर रहा था। क्या चेहरे की बात कर रहे थे? यही कि जब ये बदल जाएगा। मैं अपना चेहरा नहीं बदलूंगी। अरे कौन कह रहा है कि आप अपना चेहरा बदले? मैं तो इलाज की बात कर रहा था। हाँ, तो आप कुछ कर रहे थे? हाँ, जैसे ही आपका चेहरा ठीक होता है ना, हम किसी पुरफिजा मुकाम पर चले जाएंगे। क्यों? जश्न मनाएंगे ना। किस बात का? आपके हुस्न की वापसी का। यानी आप भी समझते कि मैं हसीन नहीं रही? नहीं नहीं, हसीन तो हैं आप। तो फिर हुस्न की वापसी क्यों का? मेरा हुस्न क्या कहीं चला गया? मैं अभी भी वही हसीना हूँ ना। बिल्कुल, आप हसीना थी और रहेंगी। अच्छा, कौन से पुरफिजा मुकाम पर जाएंगे? आप बताइए हसीना जी। आप ही बताइए, मेरे लिए तो अब हर मुकाम खौफनाक बन चुका है। बस तैयार हो जाएं, आपको अब नई क्रीम लगेगी। अल्लाह रहम करे। अरे हसीना जी, अल्लाह रहम करेगा, टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ। भाई पैसे देंगे तो क्रीम लगेगी ना। तो हम क्या भागे जा रहे हैं? तो क्रीम भागी जा रही है क्या? तो क्रीम के क्या पाँव हैं? भाई पैसे लिए बगैर तो क्रीम नहीं लगने वाली। भाई पैसे देंगे तो क्रीम लगेगी ना। तो हम क्या भागे जा रहे हैं? तो क्रीम भागी जा रही है क्या? तो क्रीम के क्या पाँव हैं? भाई पैसे लिए बगैर तो क्रीम नहीं लगने वाली। ओ मैडम गुस्से वाली, मेरे गुस्से को मत आजमाइए, आपको पता नहीं कि मैं कितना गुस्से वाला आदमी हूँ। और आप नहीं जानते कि मैं कितनी जानदार लड़की हूँ। आप दोनों का अगर टॉक शो खत्म हो गया तो मुझे क्रीम लगा दे। भाई सीधी सी बात है, पैसे मिलेंगे तो क्रीम लगेगी। मुई, मारिए इसके मुंह पर पैसे ताकि मेरे मुंह पर क्रीम लगा दे। ले लीजिए और दुआए खैर पढ़ लीजिए। क्यों, सफर पे जा रहे? हमारे लिए तो आखिरी सफर बना दिया ना आपने। अल्लाह खैर करे, किस किस्म की मनहूस बातें निकल रही हैं आपके मुंह से। मुहिम, वाकई आप कैसे बातें कर रहे हैं? हसीना जी, मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। अच्छा, शादी वाले दिन तो आप इतना परेशान नहीं थे। अरे हसीना जी, वो शादी वाला दिन था, ये बर्बादी वाला दिन है। आप मुंह क्या देख रही है? क्रीम लगाइए ना। आप मुंह बंद करेंगे तो क्रीम लगाऊंगी ना। अच्छा, तो इसके लिए आपका मुंह बंद करना पड़ेगा? मेरा नहीं, अपना। अरे क्रीम आप इन्हें लगा रही है, मैं अपना मुंह क्यों बंद करूं? मतलब चुप रहिए। अच्छा, ये काम खामोशी में करने वाला है। देखिए, आप इन्हें चुप करें वरना मैं पैसे वापस कर रही हूँ। अरे पैसे नहीं, आप इनका हुस्न वापस कीजिए। मुईन, आप चुप करें ना, आप क्रीम लगाएं। एक मिनट। अब मेरी टिप निकाले। टिप तो और क्या? आप क्या होटल में क्रीम लगा रही हैं? देखिए, जब तो हमारी बनती है ना। आप ब्यूटिशियन से तो अल्लाह ही बचाए हैं। ये लीजिए। ये क्या, 100 रुपए? तो इतनी होती है ना। करोड़ों की बीवी है तुम्हारी और ये 100 रुपए? तो और क्या, 10,000। 10,000? कोई खुदा का खौफ करे, आप मत बोले, क्रीम का असर खत्म हो जाएगा। हाँ, इनका मुंह बंद करवा के मेरा बटवा खुलवा दिया। हसीना जैसी बीवी के लिए 10,000 की क्या हैसियत है? देखे मुहिम ठीक कह रही है। बहुत ही ऊंची चीज है भाई, आप ये लीजिए। ओ थैंक यू सो मच, चले मेरे साथ। कहाँ? वॉशरूम, मेरे हाथ धुलवाए। खुद जा। ओ माई गॉड, इतनी शक्की मिजाज लड़की, आई एम गोइंग। सॉरी। अरे आप टेंशन मत ले, अब इलाज हो गया, अब आप ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे। अरे अरे अरे, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, आप इतना इलाज नहीं करें जितना लूट रही हैं। शुक्र करें कि मैं हूँ। क्यों, पिछले साल के आपको फौत होना था? मैं हूँ तो आपकी उम्मीद जिंदा है कि हसीना ठीक हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि जब तक आप यहाँ है ना, वो ठीक होने वाली नहीं है। आप बार बार मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं और आप बार बार मेरे सबर का इम्तिहान ले रही है। बस अभी हसीना आएगी और आपका इम्तिहान खत्म हो जाएगा। उन्हें हसीना रहने दिया आपने? ओहो, आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। गुस्सा ना किया करें, आपके चेहरे पे सूट नहीं करता। अब मेरे चेहरे पर कोई क्रीम लगा दे। अरे अच्छा याद दिलाया आपने, हमने मर्दों के लिए भी एक क्रीम बनाई है। खुदा के लिए मुझे बख्श दे,
जो हसीना जी के साथ कर दिया ना वही काफी है। अरे वो बड़ी मुफीद है, आप एक दफा इस्तेमाल करें हसीना से कम उम्र लगेंगे। मुझे ज्यादा उम्र का ही रहने दीजिए, मैं इसी चेहरे के साथ खुश हूँ। लेकिन आपकी बीवी तो नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं? भाई हम घरों घरों में जाते हैं, हमें तजुर्बा है कि क्या चल रहा है। आपको पता चल गया कि इस घर में क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल, और इसका हल यही है कि आप भी जवान नजर आए। मैं? भाई आपकी बीवी को लगता है कि आप उम्र में बड़े भी हैं और छोटे भी। छोटा भी से क्या मुराद? मेरा मतलब है कद में। मैं ज्यादा छोटा तो नहीं हूँ? ज्यादा तो नहीं, लेकिन बीवी के मुकाबले में थोड़े ज्यादा है। आप मुझे प्रेशर में ला कर ना पैसे कमाना चाहती हैं। ऐसी बात ना करें, लोगों को मशवरा देना हमारा फर्ज है। वैसे मेरे पास कद बड़ा करने की भी दवा है। अरे मुझे नहीं करना अपना कद बड़ा, फिलहाल आप मेरी बीवी को ठीक करें बस। वो तो मैंने क्रीम लगा दी थी, अब खुशी के नारे लगाएगी। क्या डर क्यों रहे? देख नहीं रहे कुछ ही देर में मैं खूबरू मर्द बन गई? ये कैसे हो गया? जरूर आपने अपनी बदपरहेजी की है। अरे इन्होंने क्या आपकी क्रीम डबल रोटी पे लगाकर खा ली है? आप ही ने दी थी वही क्रीम, लगाई है बस। मैंने दाने खत्म करने की लगाई है। तो ये हसीना जी का मुंह उस तरह वाला कैसे हो गया? मुझे क्या पता कैसे हो गया। लो किया खुद ने और पूछ रही हो कि ये सब कैसे हो गया? मुई इसे जाने मत दीजिएगा। ठीक है मैं कहीं नहीं जा रही, और वैसे भी ये रजिस्टर्ड क्रीम है, आपके मुँह का मसला है, मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगी। अब रोजाना हसीना जी की शेव आप करेंगी? मैं क्यों करूंगी, जिसकी है वो करे। अब तो मैं बिल्कुल भी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। इसमें ऐसी कौन सी बात है, इंसान दाढ़ी के साथ नहीं होते भला? तो इंसान होते ना, औरतें तो नहीं होती। हसीना जी ये क्या हो गया, किस मुसीबत में फंस गए हो? फिक्र ना करें, एक और क्रीम है मेरे पास। क्या हसीना जी आपके लिए। ये क्या है मुईन? आपकी जरूरत की चीज। थैंक यू सो मच मुईन, जरूर इसमें मेकअप का सामान होगा। लेकिन अब क्यों लेकर आए हैं आप? ये मेकअप का सामान नहीं है सीना जी। तो फिर कोई परफ्यूम होगा। वैसे थैंक यू सो मच, इस हालत में परफ्यूम तो लगाया जा सकता है ना? परफ्यूम भी नहीं है सीना जी। तो फिर कोई मोबाइल सेट होगा, लेकिन अब मुझे किसको दिखाना है? हसीना जी ये मोबाइल सेट भी नहीं है। तो फिर जहर होगा। बस यही समझ लें। क्या आप मेरे लिए जहर लेकर आ गए? इतना मायूस हो गए आप? नहीं नहीं हसीना जी, ये जहर तो नहीं, लेकिन है जहर के जैसा ही। तलाक के कागजात तो नहीं है मुईन इसके अंदर? कैसी बातें कर रही हैं हसीना जी, मैं आपको तलाक दे सकता हूँ। दाढ़ी तो क्या, आपके सींग भी निकल आए ना, तब भी आप मेरे लिए वही हसीना रहेंगी। तो फिर क्या है इसमें? शेविंग का सामान। मुईन ये क्या कर रहे हैं आप? इलाज ने दाढ़ी दी है, लेकिन आपको तो साफ करनी है ना। ये काम तो मैं आपके लिए करती थी। ये तो कोई बात नहीं ना, मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूं। खिदमत? बस इस खिदमत को खिदमत ज़ौजियत समझ लें। इससे बेहतर था मुईन कि आप मुझे जहर ही दे देते। जहर? जहर खाएंगे? जहर खाए आपके दुश्मन। आप इत्मीनान से शेव कीजिए। इत्मीनान से? हाँ पूरा दिन है आपके पास। मुईन ऐसे बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो अपने हुस्न पे शुक्र करने के बजाय उसको अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। जी जी बहुत बड़ा। मुईन हमें किसी को बुलाकर पूछना चाहिए कि हमारे घर पर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कुछ ये लड़की लूट रही है, बाकी रही सही कसर वो सियाना लूट लेगा। तो क्या मैं ऐसी हाथ पे हाथ रखे दाढ़ी लेकर बैठी रहूंगी? नहीं आप पर्दे में बाहर जा सकती है ना। शुक्र है अभी तक मेरी सहेलियों को पता नहीं चला, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाती। वैसे मेरा ख्याल था मैं ना फेसबुक पर आपकी तस्वीर अपलोड कर दूं। ये दाढ़ी वाली मुई? अरे आपकी नहीं, उस लड़की की जो तबाकुन क्रीमें बनाई जा रही है। तो अब तक चढ़ाई क्यों नहीं? और ये जो चंद चढ़ा इसको कौन उतारेगा? चंद के बाद अब वो मरीज चढ़ाएगी। हसीना जी जैसे जहर का इलाज जहर है, ऐसे इसका इलाज भी इसी के पास है। इसके बाद भी आप ये सोचते हैं? क्या करें हसीना जी, मजबूरी है। देखे मुई ये लड़की ना आपका पैसा और मेरा हुस्न लूट रही है। फिर क्या करें? इसका इलाज करें। कैसे? ये आप सोचिए, मेरी तो दाढ़ी निकल आई, अब मैं इसका सोचूं या उस लड़की का? बहुत तेज लड़की है वो, ऐसे बातों में उलझाती है कि असल बात आप भूल ही जाते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? मैं इस मर्दाना मुंह के साथ मरूंगी? अरे आप रोइए मत, ये पकड़िए मैं कुछ करता हूँ। आपका दिमाग खराब है क्या? देखिए मियाँ ये कोई मामूली केस नहीं है, इस पर मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके जाएगी ये दाढ़ी। अच्छा जी, पहले हसीना जी को इस मुकाम पर पहुँचाया, 5 लाख रुपए मांग रही है। तुम्हारी मर्जी है, अगर बीवी चाहिए तो ठीक है, वरना मर्द भी तो इकट्ठे रहते हैं। देखिए इससे पहले कि मैं आपको अदालत में ले जाऊँ, हसीना जी को ठीक कर दीजिए। अदालत जाओगे? क्या बताओगे वहाँ? देखिए जज साहब मेरी बीवी की दाढ़ी निकल आई है। अजी फंसा के रख दिया आपने। मैंने क्या, तकदीर ने। अब मैं 5 लाख कहाँ से लाऊं? तो मैंने कब कहा जरूर लाओ, रहने दो। हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही हैं आप। मजबूरी वाली कोई बात नहीं है,
ठीक है, आप परेशान ना हो, उस औरत ने ठीक नहीं होना। देखिए मेरे पास खुदा का दिया हुआ, लोगों से लिया हुआ बहुत कुछ है, इसलिए मेरी बात मानो, बीवी का चेहरा ना बदलो, बीवी बदल लो। क्या? और क्या, अब अगर आपने ऐसी बात की ना तो मैं आपको गोली मार दूंगा। अच्छा, तो फिर 5 लाख का बंदोबस्त करो। कहाँ से करूँ 5 लाख का इंतजाम? परेशान होने की जरूरत नहीं है, डील कर लेते हैं। कौन सी डील? सियासतदानों वाली नहीं, बिजनेस डील। अच्छा, जो वो करते हैं वो बिजनेस नहीं होता? बड़े तेज हैं, सब समझते हैं आप। सब समझता हूँ। आप अपनी डील बताइए। 5 लाख मत दो, तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। क्यों? 4 जायज है, तुम तो दूसरी करने लगोगे ना। हरगिज नहीं, मैं घर की एक एक चीज बेच दूंगा, लेकिन हसीना जी को नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कब कहा उसे छोड़ दो, वो भी है। मेरे बस में नहीं, वरना मैं आपका गला घोंट दूं। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप रहे मिस हसीना के साथ। अरे अरे, कहाँ, आप नहीं जा सकती। अगर मुझे जबरदस्ती रोका तो मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी। अच्छा, अब आप धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं, ऐसा करूंगी। देखिए मेरी हालत पर रहम खाइए। तो फिर तुम मेरी कौन सी शर्त मानोगे? शादी तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर इलाज भी नहीं हो रहा। मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। अभी दो? अभी क्या, मैं बैंक में हूँ जो अभी दे दूँ? तो फिर क्या गारंटी कि तुम 5 लाख इकट्ठे कर सकते हो? हसीना जी के लिए तो मैं दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर सकता हूँ। बहुत ही ढीठ हो तुम, मुफ्त में इलाज हो रहा है इसका नहीं सोच रहे। अरे भूल जाइए, मेरी और हसीना जी की जोड़ी तो आसमानों पर बन गई थी। इसीलिए तो जमीन पर ख्वार हो रही है। क्यों ख्वार हो रही है? ये तो आप जैसे हासिल लोग हैं जो हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। लेकिन एक मसला और भी है। वो क्या? हसीना की दाढ़ी चली जाएगी, लेकिन कोई ना कोई मर्दाना सिफत उसमें रहेगी। अब कोई उल्टी सीधी सिफत मत बता दीजिएगा। इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई सिफत हो सकती है। ये एक नया अज़ाब तैयार कर दिया आपने, कुछ तो बता दीजिए। 2 दिन खदशात हो सकते हैं, उसकी आवाज मर्दों जैसी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे वही पहली वाली हसीना चाहिए। बस फिर तो भाई तुम्हें पैसों का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है, सुनो, अगर पैसों की मुश्किल हो तो शादी वाली बात मत भूलना। किसी तरह से हमारी जान छोड़ दो बस। नहीं, मुझे ऊपर जाना है। ऐसा मत करें हसीना जी, आपको नीचे जाना है। नीचे कहाँ? कब्र में? अल्लाह ना करे हसीना जी, मेरा मतलब है घर में। हमारा घर नीचे है? जी जी, हमारा घर नीचे है, जमीन पर। आप आसमान में क्यों जाना चाहती हैं? मैंने सब सुन लिया मम्मी, कहाँ से आएंगे हमारे पास 5 लाख? मैं कहीं से भी ले आऊंगा, ये मेरा मसला है, प्लीज नीचे आइए। मोइन, मरने के बाद मेरा हिसाब कहाँ होगा, मर्दों में या औरतों में? पहले तो मेरे यहाँ ही होगा ना। क्यों, आपका हिसाब लेने फरिश्ते नीचे आएंगे? जी जी, वर्दी वाले। परों वाले तो सुने, लेकिन वर्दी वाले कौन से हैं? ये हमारे शुरते पुलिस वाले भाई। लेकिन वो आपसे हिसाब क्यों लेंगे? अरे बीवी खुदकुशी करेगी तो हिसाब पुलिस ही लेगी ना। लेकिन मैं तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो कानून भी तो अपनी मर्जी चलाएगा, और इन सबसे पहले 14 दिनों का रिमांड लेगा। किसका? मेरा हसीना जी। और फिर जैसे आप झूल रही थी ना रस्सी से, मुझे झुलाएंगे रस्से में। अच्छा? हाँ हसीना जी, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदकुशी का इरादा तर्क कर दीजिए और इलाज की तरफ आइए। इलाज किसी तरफ नजर आए तो आओ ना, यहाँ एक इलाज खत्म होता नहीं है कि दूसरा इलाज शुरू हो जाता है। हसीना जी, कभी कभी कुदरत इंसान का इम्तिहान लेती है। लेकिन कुदरत कोई पर्चा लीक क्यों नहीं करती? तो ये तो कुदरत को पता होगा हसीना जी, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर हसीना जी नहीं ना तो फिर मोइन भी नहीं। और बाकी कास्ट? अरे वो भी तभी बचेगी जब आप खुदकुशी का इरादा तर्क कर देंगी। लेकिन मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, रोजाना शेव? हम मर भी तो रोज शेव करते हैं। वैसे आपने देखा ना, मर्द बनना कितना मुश्किल है हसीना जी। ये औरतों का जुमला सुनाकर आप तमाम मर्दों के बदले मुझसे लेंगे? अरे ऐसा कैसे हो सकता है हसीना जी। बहुत कुछ हो सकता है मोइन, मैंने सब कुछ सुन लिया, जो ऑफर्स उसने आपको कराई है ना, मुझे सब पता है। कौन सी ऑफर्स? वही शादी वाली। मैंने तो उसे साफ कह दिया हसीना जी कि जीना है तो हसीना जी के साथ, मरना है तो हसीना जी के साथ। ठीक है, तो फिर मरे मेरे साथ। अरे हसीना जी, ये क्या कर रही है? अगर मरना ही है हम दोनों को तो कोई अच्छी मौत मरते हैं ना। क्यों, क्या व्हाइट हाउस जाके मरेंगे? अरे हम क्यों मरेंगे, हम तो हजारों साल जिएंगे। इस दाढ़ी के साथ नहीं, मैं अब एक दिन भी इसके साथ नहीं रह सकती। अरे हसीना जी, इसका इलाज हो जाएगा, ये दाढ़ी खत्म हो जाएगी। कैसे, मर्द की आज तक कहीं हुई है? अरे वो तो मर्द है ना, औरत और मर्द एक थोड़ी है। लेकिन दाढ़ी तो एक ही होती है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे मरने दे, आपके लिए भी बदनामी का बाइस बन जाऊंगी मैं। अरे बदनामी की क्या बात है, एक हादसा हुआ है, इसमें शर्मिंदगी कैसी? मुझे मजबूर मत करे मोइन। अरे हसीना जी, खुदा के लिए इस बात का इलाज है, मैं करवाऊंगा उस लड़की से, मेरा मतलब है उस औरत से। उस औरत का इलाज तो मैं करूँगी। क्यों, उसकी भी दाढ़ी निकल आई है? जी, घुटनों में आए। लेकिन मैं आपसे शादी क्यों करूं? इसलिए कि मर्द औरत से शादी करते हैं ना। लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है। तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं भी कहूँगी कि मुझसे शादी हो चुकी है। हसीना।
5 लाख रुपए। इतना बड़ा बैग 100 के नोट है क्या? ये ले 10 लाख रुपए। 10 लाख? ये कुला 10 लाख रुपए का? यही समझ लो। मतलब? मतलब कुला पहनो, शादी कर लो, 5 लाख तुम अपने पास रखो और 10 लाख मुझसे ले लो। लेकिन मैं आपसे शादी क्यों करूं? इसलिए कि मर्द औरत से ही शादी करते हैं ना। लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है। तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं भी कहूंगी कि मुझसे शादी हो चुकी है। मैं हसीना जी के अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं सोच सकती। क्या? पता नहीं तुमने क्या जादू किया। तुम्हारी शक्ल देख के मैंने शादी का मासूमाना फैसला किया है। और मैंने भी हर बार मासूमाना सा जवाब दिया है। सोच लो, बीवी की दाढ़ी तो नहीं जाएगी मगर मैं चली जाऊंगी। ये उल्टी सीधी बातें छोड़िए और इलाज कीजिए, और इस बार अगर कुछ और निकल आया ना तो आपकी खैर नहीं। अच्छे बच्चे से नहीं करते, चलो जल्दी से बांधो ना सहरा। क्या यहाँ पर कोई निकाहवा बैठा हुआ है? वैसे पहन के दिखाओ कैसा लगता है। नहीं, ये तो मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों जैसे बहन। अच्छा, मौत को सामने देखकर तो मेरी नन बन गई। इसे समझाएं, छुरी कहीं भी लग सकती है। हसीना जी क्या कर रही, कत्ल हो जाएगा। तो इसका कत्ल करके मैं इसके मुंह पर अपनी दाढ़ी लगवाऊंगी और नीलम सिंहवारी से इसका नाम हटा के असलम शेख रख दूंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या माफ कर दूं, दानेदार चेहरा या दाढ़ी बड़ा मुंह? मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो तो मैं तुम्हें करूंगी, और ऐसा ठीक करूंगी कि आइंदा कभी भी किसी का मुंह खराब नहीं करूंगी। नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा भी ठीक कर देती हूँ। अभी इतनी देर से क्या कर रही थी? 10 रेजर मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई कि तुमने एक औरत को किस काम पे लगा दिया? मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा नहीं करूंगी प्लीज। क्या शेव? नहीं, किसी लड़की का चेहरा खराब। चलो फिर फटाफट इसे ठीक करो। हाँ हाँ, अभी करती हूँ। कैमरा में सर, कैमरा पैन करना। कुछ भी कर सकती हूँ, यू नो। आपकी वजह से वापस आया हूँ, वरना आपकी मियाँ ने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अब माफ कर दीजिए बाबा जी, वो तो बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं बिल्कुल। क्या कहा, बच्चे हैं? और उसके सामने तो आप खुद बच्चे हैं।